ऑन मोबाइल फोन? इसका सीधा आंसर है हाँ। तुम अपने मोबाइल फोन में साले ने केले जैसे तो हाथ बना रखे हैं। ये पांडू सिखाएगा हमें एनिमेशन? हाँ यही सिखाएगा तुम्हें एनिमेशन। उस वीडियो में आई नो देयर आर मेनी मिस्टेक्स एंड दी स्टेप्स वर आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट आज मैं तुम्हें इजीएस्ट वे बताने वाला हूँ यूजिंग अ मोबाइल फोन। मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनसे स्टोरी बोर्डिंग नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ देयर बैड ड्रॉइंग स्किल्स। और क्योंकि उनकी ड्रॉइंग उतनी अच्छी नहीं होती है तो उन्हें अपना कैरेक्टर बनाने में बहुत दिक्कत होती है। और इनफैक्ट मेरी भी ड्रॉइंग स्किल्स कुछ खास नहीं थी, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जिसके कारण मैंने अपनी एनिमेशन पहले से अब काफी इम्प्रूव कर लिया है। एंड इनफैक्ट उन्हें जानने के बाद कोई भी अपना फर्स्ट कैरेक्टर इजीली बना सकता है यूजिंग देयर मोबाइल फोन, चाहे उसकी ड्राइंग कैसी भी हो। बट आगे मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी है। बहुत से लोगों को कैरेक्टर बनाने के लिए रेफरेंस यूज करना गलत लगता है एंड उनके रेफरेंस रिलेटेड बहुत से मिसकंसेप्शन है। रेफरेंस यूज करना उन्हें कॉपी लगता है। लेट मी क्लियर दिस विद एन एनालॉजी। जब एक बच्चा न्यू स्कूल में जाता है तब उसे डायरेक्ट ABCD लिखने नहीं बोलते हैं, उन्हें उनके टीचर्स डॉट्स ड्रॉ करके देते हैं एंड किड्स यूज टू मैच दोस डॉट्स टू मेक दैट पर्टिकुलर अल्फाबेट। एंड अब तो डॉटेड वाले बुक्स भी आते हैं, बट दिस सेम थिंग अप्लाइज फॉर एनिमेशन ऑल्सो। जब तुम्हें एनिमेशन का ए भी नहीं पता है तो स्टार्टिंग में तुम रेफरेंसेस यूज कर सकते हो, और धीरे धीरे जब तुम्हारा हाथ सेट हो जाए और तुम टूल्स और बाकी चीजों से अडेप्ट हो जाओगे तब तुम्हें रेफरेंसेस यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया या कुछ मिसकंसेप्शन है अभी भी तो अब एक्साइटेड होके कैरेक्टर ढूंढने मत चले जाना। वेट, कैरेक्टर फाइंड करने से पहले ये चीज याद रखना कि तुम्हारे कैरेक्टर के डिफरेंट पोजेस होने चाहिए, लाइक दिस वन। मैंने ये गलती की थी स्टार्टिंग में, तुम मत करना। तो ड्राइंग एनिमेशन सब चीजों के लिए हम यूज करने वाले हैं आईबिस पेंट एक्स ऐप। एंड हाँ, अब देख लो ना, मैं पीसी में नहीं फोन में एनिमेट कर रहा हूँ। ओके, गालियां मत देना प्लीज कमेंट में आप। ओके, सो इस ऐप का इंटरफेस तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैं यहाँ से माई गैलरी पे क्लिक करना है एंड देन जैसे कि तुमने अभी फर्स्ट टाइम इस ऐप को डाउनलोड किया है तो यहाँ से तुम्हें प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे एनिमेशन ढूंढना है। ये रहा एनिमेशन, यहाँ पे तुम अपनी साइज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पी का कॉइन वाला सिंबल दिख रहा है, 1280 और 720p का ऑप्शन अगर तुम चूज करोगे तो मींस इसका मतलब है कि तुम्हें पे करना पड़ेगा। बट नो वेरीज, तुम ये 640 और 480 वाले को भी सेलेक्ट कर सकते हो। बाद में तुम उसे जूम वूम करके ठीक कर सकते हो, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तुम्हें कुछ पे वे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 12 फ्रेम पर सेकंड को ही सेलेक्ट रहने देना अगर तुम अपना फर्स्ट कैरेक्टर बना रहे हो। यहाँ से ओके करो एंड फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा तुम्हें। इतनी सारी चीजों को देख के घबराना मत, मैं सब चीजें क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ये है हमारा स्क्रीन। अभी यहाँ पे तुम्हें नीचे पे ये एक बार दिख रहा होगा जहाँ पे अभी सिर्फ एक ही फ्रेम है और उसके लिए राइट साइड में तुम्हें प्लस का आइकन। तो ये है हमारे फ्रेम्स, जितने तुम इसे बढ़ाना चाहो उतने बढ़ा सकते हो। एंड फिर उसके बाद उसके बाजू में प्ले है, ये फ्रेम बाय फ्रेम प्ले होते जाएगा। ये अलग अलग फ्रेम्स है और हमें इन्हीं फ्रेम्स में ड्रॉ करना है। जब अगर तुम फर्स्ट कैरेक्टर बना रहे हो तो मैं भी तुम्हें शो करने के लिए, एक एनिमेशन शो करने के लिए चार लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई वुड रिकमेंड कि तुम भी चार लेयर सेलेक्ट करो पहले, उसके बाद तुम उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो एक बार तुम अगर समझ जाओ तो। ये जो तुम्हें वन और नीचे छोटे छोटे चीजें दिख रही हैं ये है लेयर का टैब, वो भी आगे काम आएगा। पहले मैं और टूल्स के बारे में बता दूं। फिर यहाँ पे पेंट ब्रश पे क्लिक करोगे तो तुम्हें और भी बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जैसे ब्रश, इरेजर, पेंट बकेट एंड ऑल दैट। उसके बाद ये रहा हमारा लेयर, इसमें तुम्हें एक लेयर बढ़ा देना है एंड फिर तुम्हें टैप करना है अपने फर्स्ट वाले लेयर पे। ये कैमरे वाले आइकन से तुम अपनी इमेज इम्पोर्ट कर सकते हो जो भी तुमने रेफरेंस डाउनलोड किया होगा। सपोज मैंने ऐसा रेफरेंस डाउनलोड किया है, मुझे गूगल में मेरे ही कैरेक्टर टाइप का एक रेफरेंस मिला है और मैंने बोला था कि तुम्हें डिफरेंट पोजेस होने चाहिए कैरेक्टर के, मैं उस पे आगे आऊंगा, वो तुम्हारा वेस्ट कहीं नहीं गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस पे भी आऊंगा। बट पहले हमें अपना फर्स्ट फ्रेम का जो कैरेक्टर है उसे ड्रॉ करना है। तो इसे तुम फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करो। ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता है तो बस इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करने, तुम्हें टच करके यहाँ से कैंसिल करना। एंड देखो अब यहाँ पे जो लेयर है वो सेकंड लेयर पे हमारी इमेज है, बट नहीं, हमें उसे फर्स्ट लेयर पे करना है। तो हम ये जो फर्स्ट लेयर है इसको डिलीट कर देते हैं एंड ऑटोमेटिकली अब ये हमारा जो लेयर है वो नीचे आ चुका है। अगर नहीं हुआ हो तो 3 लाइंस दिख रही है ना, उसे टैप करके तुम उसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ओके, एंड अभी हमारा पेंट ब्रश टूल सेलेक्टेड है। मेक श्योर कि तुम्हें फर्स्ट पे नहीं ड्रॉ करना है और फर्स्ट कैरेक्टर की जो ओपेसिटी है उसको कम कर देना समवेयर अराउंड 50% के आसपास, मींस उसकी लाइन विजिबल होनी चाहिए, नहीं तो फिर तुम ड्रॉ कैसे करोगे। एंड नाउ अब यहाँ पे मेन चीज, तुम फर्स्ट लेयर पे ड्रॉ करते मत बैठ जाना, यहाँ से सेकंड पे टैप कर देना ड्रॉ करने से पहले। तो या सिंपल सी चीज है, बहुत से लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बट या तुम यहाँ से सेकंड लेयर पे क्लिक कर देना एंड डन। अब तुम्हारा रेफरेंस रेडी है, बस तुम्हें एनिमेट करना है। अब तुम्हें यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लेना जो भी तुम्हें ब्रश सही लगे, जैसे मैं जो बेसिक इसके होते हैं वही चूज करने वाला हूँ। एंड अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम्हें यहाँ से ड्रॉइंग आती है, मतलब तुम फिंगर ड्रॉइंग अच्छे से कर लेते हो या तुम्हारा हाथ वाथ सेट है, तो बस यहाँ पे आप अपना कैरेक्टर बना दो। बट अगर तुम्हारी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है, थोड़े से जो हमारे लाइन्स
इधर उधर होते हैं, पिक्सलेटेड टाइप लगते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए तुम्हें यहाँ पे इस हैंड वाले आइकन पे टैप करना है। यहाँ से स्टेबिलाइजर होगा तुम्हारा 0, तो उसे यहाँ पे 10 कर लो। एंड यहाँ से मेथड के कर देना आफ्टर, एंड दैट्स इट। एंड हाँ, ये जो आइकन है यहाँ पे अंडू और रीडू के जो आइकन है, ये अंडू रीडू ही करते हैं, वहां से टैप करके तुम अंडू रीडू भी कर सकते हो। नाउ अब कैरेक्टर बनाना है हमें, बस ट्राई करना कि जूम अच्छे से कर लो जो तुम्हारे हैंड के हिसाब से स्टेबल हो। जैसे मुझे इतना सही लगता है क्योंकि मैंने भी मोबाइल एनिमेशन उतनी की नहीं हुई है। तो यहाँ से बस तुम्हें जो लाइंस है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बस यहाँ से अब ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे 3 साइज रखा है ब्रश का, बिकॉज 3 इज गुड, 5 कर रहा हूँ तो वो बहुत अजीब सा हो जा रहा है। सो आई एम चूजिंग 3। एंड अब तुम्हें बस उस लाइन के हिसाब से ड्रॉ करते जाना है। दिस विल टेक टाइम, बढ़िया यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन मैंने स्टेबिलाईजर और ये सब चीजें बता दी है तुम्हें, तो उतना कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है तुम्हारे कैरेक्टर में। मैं अभी ऐसी फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, उतना कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं देख रहा हूँ, फिर भी कैरेक्टर मेरा ठीक ठाक ही बन रहा है। तुम यहाँ पे अच्छे से टाइम देना ताकि वो पिक्सेलेटेड लाइंस कम से कम ना दिखे। ओके, तो मैंने सारी लाइंस मैच कर दी है अपनी। एंड अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे लेयर पे और जो हमारी रेफरेंस वाली चीज थी उसे हम अनहाइड कर देंगे। एंड यू कैन सी हमारे कैरेक्टर का लाइन आर्ट एक तरीके से बन चुका है। अब इसमें कुछ चीजें मुझे अजीब लग रही हैं, तो मैं उसे इरेजर टूल से हटा देता हूं एंड उसे रिकरेक्ट कर देता हूं। मैंने आंख ही ड्रॉ नहीं की थी, सो अब उसे भी ड्रॉ कर देते हैं। अगर तुम्हें तुम्हारे रेफरेंसेस की आईज वाइज अच्छी लगती है, सो इसी मेथड से तुम उसे भी कर सकते हो। अगर तुम्हें उसकी आईज अच्छी नहीं लगती, तुम्हें कुछ डिफरेंट पसंद आता है, तो तुम आईज के लिए भी अलग से रेफरेंस ढूंढ सकते हो और फिर उसे इसी तरह इंपोर्ट करके उसे ड्रॉ कर सकते हो। और यू कैन यूज अ पीएनजी, लेकिन मुझे मेरे कैरेक्टर का जो नॉर्मल आईज है वही यूज करना है। ओके, सो आईज भी ड्रॉ हो चुकी है एंड आईब्रोज भी ड्रॉ हो चुके हैं। एंड अब एक न्यूट्रल फेस भी बना देते हैं हमारे कैरेक्टर के लिए, बाकी तो माउथ के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब बारी आती है कलरिंग की, तो यहाँ से तुम्हें टूल वाले आइकन पे क्लिक करके आई ड्रॉप को सेलेक्ट कर लेना है। एंड जो भी तुम्हारे रेफरेंस का कलर है या तुम्हें कुछ जो भी कलर चाहिए, कुछ डिफरेंट कलर चाहिए, तो तुम उसे सेलेक्ट करके बस यहाँ पे पेंट बकेट का यूज करके वहां वहां पर्टिकुलर पार्ट्स पे तुम उसे पेंट कर सकते हो। जैसे मुझे माउथ पे स्किन कलर करना था एंड टी शर्ट मेरी रेड है, तो बस अभी फिलहाल तो मैंने जल्दी जल्दी में कैसे भी ड्रॉ कर दिया। बढ़िया, तुम जितना ज्यादा टाइम दोगे इस पे वो उतना काफी अच्छा लगते जाएगा। अब बारी आती है जो मैंने डिफरेंट लेयर्स तुमसे बनवाए थे, जो क्रिएट करवाए थे, उस पे काम करने की। अभी क्या करो कि जो तुम्हारा लास्ट लेयर है ना उस पे चले जाओ एंड अब जो डिफरेंट पोजेस है ना वो इम्पोर्ट करो। लाइक मेरा एक ये पोज है। अब ये जो ग्रीन जो पैच है पीछे, ये अनियन स्किन होता है, आई विल टेल यू अबाउट इट। बट अभी फिलहाल एक काम करो, जो वो ग्रीन कवर हो जाए ऐसे अपने इमेज को ट्रांसफॉर्म करो। एंड जो मेरी लेयर है वो ऊपर थी, तो मैं उसे नीचे ले आता हूं, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। एंड डन। बट तुम लोग बहुत आलसी हो, तुम लोग के बहाने चालू हो गए होंगे, अरे यार अभी फिर ड्रॉ करवाएगा यार तू, डोंट वरी आलसी हो, मैं तुम्हारे लिए भी एक मेथड लेके आया हूं। यहां से लेजो टूल को सेलेक्ट करो एंड पूरे अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लो, इस बॉक्स वाले आइकन पे क्लिक करके यहां से उसे कॉपी कर लो। अब आ जाओ अपने लास्ट फ्रेम पे एंड वहां पे सेकंड लेयर चूज करके, सेकंड लेयर रेफरेंस वाली लेयर पे नहीं, वहां पे अपने कैरेक्टर को पेस्ट कर दो। अब यहां से इरेजर टूल सेलेक्ट करो, मेक श्योर कर लेना कि कुछ बीच में लेयर वेयर ना आ जाए, लाइक दिस अभी एक लेयर आ गया था। एंड जो ये राइट वाला पार्ट है जिसमें हाथ आ रहा है, सिर्फ उतना ही पार्ट को रिमूव कर दो। अब ये जो मेरा कैरेक्टर विजिबल हो रहा है थोड़ा सा, ये मेरा रेफरेंस है। अब मैं यहां से उसे जो जितना पार्ट मैंने कट किया उस पार्ट पे जो हाथ का ऊपर करना है मुझे, जो डिफरेंट पोज है, मैं बस उसे ड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दिस। तो अब बहाने मत मारना कि अभी ये इतना भी ड्रॉ करना पड़ेगा, अब कर लो इतना। ओके, तो मैंने हाथ भी ड्रॉ कर लिया है एंड यस हमारा डिफरेंट पोज भी रेडी है। बट अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई है, अब बारी आती है हमारे जो हमने दो फ्रेम्स छोड़े थे उस पे ड्रॉ करने की। तो सेम जैसे तुमने कॉपी किया था वैसे यहाँ पे भी कॉपी कर लो एंड अब जाओ सेकंड फ्रेम पे। यहाँ पे सेम उसे वही डब्बे पे क्लिक करके तुम यहाँ पे पेस्ट कर दो उसे एंड दैट्स इट। तो हमारा जो हाथ है वो थोड़ा सा नीचे से ही उठते उठते ऊपर आएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली चला जाएगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा हाथ का पार्ट है ना, सिर्फ जो एल्बो और तुम्हारा शोल्डर का पार्ट जो मूव करेगा, उसे तुम लेजो टूल से सेलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म पे ये जो एरोस दिख रहे तुम्हें मल्टीपल, इस पे क्लिक करके तुम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तुम्हारा हाथ नीचे से आएगा जब, तो तुम्हें उसे यहाँ पे टिल्ट करके थोड़ा नीचे कर लेना है, तो समवेयर अबाउट ऐसा ही कुछ तुम्हारा हाथ, फिर उसके बाद ऊपर आएगा। नाउ ये जो मेस क्रिएट हो गया इसे हटा लेते हैं थोड़ा सा। एंड अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, अगर तुम्हारा एल्बो आ रहा है और तुम्हारा शोल्डर वाइड है लास्ट फ्रेम में, तो यहाँ पे भी तुम्हारा एल्बो तो जितना आया आया, लेकिन शोल्डर भी जो तुमने फर्स्ट लेयर ड्रॉ की वो दिख रहा है ना पीछे, उससे थोड़ा सा वाइड ही बनाना है। दिस इज व्हाट अनियन स्किन इज। जो ये जो रेड कलर का पीछे एक मार्क टाइप का आ रहा है, ये दिखा रहा है कि तुमने फर्स्ट लेयर में प्रीवियस अपने लेयर में क्या ड्रॉ किया था, तो उसको देख के जो शोल्डर है उसे तुम्हें हल्का सा
डिवाइड और कर देना है लाइक दिस। ये उतना कुछ परफेक्ट नहीं है बट मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है अभी जल्दी जल्दी में, फिर भी इट इज लुकिंग वेरी डिसेंट। अब हमारे सेकंड फ्रेम का भी काम हो गया। अब जो हमारा जो एक आखिरी फ्रेम बच गया जो बीच का थर्ड फ्रेम, अब उसमें क्या करना कि जो तुमने लास्ट लेयर में कैरेक्टर बनाया था सेम लैजो टूल को सेलेक्ट करके उस डब्बे पे क्लिक करके कॉपी करके उस थर्ड लेयर पे लाके पेस्ट कर दो। एंड अब यहाँ पे जो पीछे तुमने देखा कि ग्रीन भी है एंड रेड भी है, तो इट मींस कि जो तुम आगे जो कैरेक्टर तुम्हारा बना हुआ है वो है और जो रेड है वो तुम्हारा प्रीवियस कैरेक्टर है जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया। अब वही तुम अपने हाथ वाले पार्ट को सेलेक्ट करो एंड अब यहाँ पे क्या करना कि ये जो ग्रीन और रेड के बीच में लाना उसे, तो फिर तुम्हारी जो एनिमेशन जो तुम्हारा हाथ ऊपर आएगा वो स्मूथ हो जाएगा या यहाँ पे होना चाहिए। तो वही जो मैस क्रिएटेड है उसे पहले हटा देता हूँ मैं, शोल्डर को थोड़ा और वाइड कर देते हैं और थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं हमारे कैरेक्टर को। डन, हमारे चारों फ्रेम्स रेडी हो चुके हैं एंड तुम इसे प्ले करके देख सकते हो जो तुम्हारा हाथ आ रहा है वो स्मूथली आ रहा है। अब तुम जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तुम यहाँ से फ्रेम्स को और बढ़ा भी सकते हो और ज्यादा स्मूथनेस के लिए। हमने तो यहाँ पे बस चार लेयर ही सेलेक्ट किए एंड फिर भी हमारी एनिमेशन काफी स्मूथ लग रही है। अब तुम देख ही सकते हो यहाँ पे जैसे बहुत से एनिमेटर्स एक जंप इफेक्ट डालते हैं, तो तुम उसे भी डाल सकते हो। बस लैजो टूल को सेलेक्ट करो एंड बीच की जो भी तुम्हारी लेयर है जहाँ पे ट्रांजिशन होने हैं उसे सेलेक्ट करके तुम इसे थोड़ा सा छोटा कर दो या थोड़ा बड़ा कर दो एंड एक बाउंसी इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अभी भी पूरी तरह से हमारा कैरेक्टर बना नहीं है, अभी भी इसमें शैडोज और हाइलाइट्स की कमी है। तो शैडोज के लिए वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, घंटा कोई नहीं देखने वाला। बात तो सही है। वेल, अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो अब जाओ रेफरेंस ढूंढो, आईबीस पेंट ऐप को डाउनलोड करो एंड अपना फर्स्ट कैरेक्टर इस तरह ड्रॉ कर लो। कोपिंग करना छोड़ो कि मुझे ड्राइंग नहीं आती एंड ऑल दैट। कुछ चीजें अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को साइड बाय साइड प्ले करके फिर सारे स्टेप्स को फॉलो करो एंड प्रैक्टिस करो। एंड अगर तुमने इस वीडियो पे 50 कमेंट्स कर दिए देन आई विल अपलोड द इजीएस्ट वे टू ड्रॉ शैडोज एंड हाइलाइट्स। उस वीडियो पे काम ऑलरेडी चालू है, सो जल्दी जल्दी कमेंट करो।